कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ रतन शारदा जी हैं, आरएसएस समर्थक हैं। आपको स्क्रीन पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल यही है अजय आलोक, ये जो कट्टरता की गुल्लक है, इससे किसकी फंडिंग हो रही है? क्या ये कट्टरता की ही गुल्लक है? ये भी सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे ये देश में कोई नया नहीं हो रहा है। पहले इंटरनेशनल फंडिंग से लेके हमने अरब से फंडिंग, वहाबियों की फंडिंग, हर तरह की फंडिंग देखी है। और अब ये कट्टरता धीरे धीरे इतनी फैल चुकी है कि ये लोकल लेवल पे भी फंडिंग इसकी हो रही है। और ये निश्चित तौर पे धार्मिक कट्टरता को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। हमारी सुरक्षा एजेंसी, पहले ये एनजीओ के माध्यम से भी फंडिंग होती थी, इस ये भी जानकारी में आई तो एनजीओ को बैन किया गया। अब है कि सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ समस्त जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे कट्टर धार्मिक लोग हैं कौन, जिसकी फंडिंग करके, उन्मादी करके समाज में एक ऐसा विद्वेष फैलाना चाहते हैं। और ये अपनी नई पौध को भी उसी तरह कट्टर बनाते जा रहे हैं। चाहे वो, मैं सब मदरसों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कुछ मदरसे तो बिल्कुल हैं जो सिर्फ कट्टरता ही फैला रहे हैं, उनकी फंडिंग हो रही है। तो स्टेट फंडिंग भी होती है मदरसों की, तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है और हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बगल कुछ ऐसा माजरा चल रहा हो तो बिल्कुल अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। क्योंकि ये देश में जिस तरह से जा रहा है माहौल, ये बनाना कंट्री बनने में समय नहीं लगेगा। और ये कट्टरता सिर्फ पैसे तो उसका एक माध्यम है, इस कट्टरता से ये करना क्या चाहते हैं? धर्म का प्रचार कट्टरता के माध्यम से तभी होता है जब उसमें हिंसा का एंगल हो। तो इन सब चीजों को सबको गौर से देखना है। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है, इसमें व्यापक चर्चा होनी चाहिए और समाज के व्यापक लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप कह रहे हैं इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब जब ऐसे मुद्दों पर चर्चा होने लगती है तो सियासत हावी होने लगती है। सैयद असीम वकार, अभी जो पॉइंट अजय आलोक ने उठाए, ये कट्टरता कौन बढ़ा रहा है? ये जो आरोप लग रहे हैं कि जो चंदा है उसका इस्तेमाल कट्टरता वाले एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, कट्टरता के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, राजनीति भी तो खाद पानी का काम करती है लगातार। देखिए, सबसे पहले तो मैं लगातार कई दिन से, जब से उदयपुर वाली घटना घटी है, मैं, मेरी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि हम उसकी बहुत कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। देश में कानून का राज है। वो ऐसा नहीं है कि वो कानून खाली अजय आलोक जी के लिए है या आपके लिए है, कानून हमारे लिए भी है, वो हम सब के लिए है। वो हमारे देश का कानून अपने हाथ से हत्या करना, लूट करना, किसी की गर्दन काटना, किसी का मर्डर करने की इजाजत नहीं देता है। जो लोग भी इस तरह काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब इस तरह की घटनाओं की हम मजम्मत कर रहे हैं, हम उनकी गिरफ्तारियों की सजा की मांग कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ लोग आते हैं निकलकर और वो राजनीतिक रंग देते हुए धर्म विशेष, जाति विशेष की शिक्षा के ऊपर प्रहार शुरू कर देते हैं। कुछ तो इस्लामिक स्कॉलर ऐसे हो गए हैं कि उनका काम ही सिर्फ इस तरह का है, बड़े बड़े पद ले लिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। जब सूरज तुलू होता है तो इस्लामिक स्कॉलर हो गए, जानकार हो गए, बड़ी किताबों की जानकारियां हो गई, और इधर आफ्ताब गुरूब हुआ और उनके हाथ में जूस का गिलास आ गया और वो जूस पी के मगन, वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं कि अभी मैं देख रहा हूं 3 दिन से एकदम पलट गया मामला। अब यह हो गया कि मदरसे में पढ़ाया जाता है और फला जगह पढ़ाया जाता है, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। मैं गारंटी ले रहा हूं कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, और जो लोग पढ़ा रहे हैं वो अपराधी हैं। अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाया जाता है, इस्लाम की शिक्षा दी जाती है इस तरह की, वो झूठ बोल रहे हैं, मक्कार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गई। 3 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं, 3 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं, स्कार्फ डाल के गले में, बड़ा ऊंचा पद है साहब, उससे पहले दूसरी पार्टी में थे। मैं पूछ रहा हूं कि आपने कैसे कह दिया मदरसे में पढ़ाया जाता है, आपने कैसे कह दिया चंदा इस काम के लिए इस्तेमाल होता है,
आपने, अगर आप इतने ही बड़े ईमानदार नेता हैं, आप इतने ही बड़े इंसानियत के पुजारी हैं, तो आप ही बता दीजिए किसकी बात कर रहे हैं। बात क्यों नहीं कही? नहीं नहीं, उस वक्त ये बात क्यों नहीं कही? फंडिंग वाली बात सर, ये फंडिंग वाली बात कौन कर रहा है सर? थोड़ा सा पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप फूलों मत जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, बारे में इस्लाम की व्याख्या करते हैं सर, ठीक है, इस्लाम की व्याख्या करते हैं, लेकिन जो आरोप ये फंडिंग से जुड़ा हुआ आरोप है, जो चंदे से जुड़ा हुआ आरोप है, ये वो नहीं लगा रहा है सर। कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। सबसे सुन रही हूँ आपकी बात, सिर्फ आपको सुनता रहूं, बात पूरी आने दीजिए। आप यहां डिबेट करा रही हैं, बात पूरी आने दीजिए। अगर बात को पूरी नहीं करना है तो भी मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मदरसे पे आरोप लगाया है, सर, कम से कम उनकी तो सुन लीजिए जो आरोप लगा रहे हैं सर। दारा सिंह ने आरोप जो लगा रहे हैं, सुनिए मैडम, सुनिए, आप सुन लीजिए, आपको रोक रही हूं सर। जब दारा सिंह पीलीभीत के शहर काजी जरताब रजा खान ने इन गुल्लकों को लेकर दावत इस्लामी पर आरोप लगाए हैं, इस पर दावत इस्लामी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट हेड गुफरान ने क्या जवाब दिया है, सुनिए सर। आप बहस करने आए ना, पहले बहस का आधार समझिए, सुनिए पहले। 85 लाख रुपए इकट्ठा करके इस तंजीम कहां पर खर्च कर रही है? गोलक के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, रमजान में चंदा करती है, कुर्बानी के की खाल इकट्ठा करती है, कुर्बानी कराती है, मदरसे स्कूल खोल रही है। तो उसका जो भी पैसा आता है वो हमारे जो मतलब जो है अकाउंट है उसमें जमा होता है, उसके जरिए से जो हमारे सोशल वर्क है के काम होते हैं, वेलफेयर के काम होते हैं, जो हमारे नए काम होते हैं उसमें पैसा खर्च होता है। एक पाकिस्तानी संगठन यहाँ पर कैसे स्कूल चला रहा है? क्या पाकिस्तान में आरएसएस के स्कूलों को मान्यता मिल जाएगी? मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि विश्व हिंद परिषद वालों को क्या पाकिस्तान में संगठन चलाने की इजाज़त मिल जाएगी? क्या हिंदू वाहिनी होने की इजाज़त मिल जाएगी? क्या हिंदू वाहिनी वालों को पाकिस्तान में संगठन चलाने की इजाज़त मिल जाएगी? हमारा हेड ऑफिस जो है बम्बई में है, और इसका पूरा जो है, जो भी जैसे आपने डोनेशन बॉक्स के ताल्लुक से पूछा, ये सब हमारा जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर है, और सब ये काम हमारा जो भी है बैंक के जरिए से होता है लेना देना, इसमें कोई हमारी इस तरह की ढकी भी बात नहीं। इस तंजीम से अपने बच्चों को बचा ले, वरना भविष्य में ये तंजीम, ये संगठन आपके बच्चों को कहां पर ले जाके फंसाए, कहां पर मरवाए, किस जगह इस्तेमाल करे, कुछ पता नहीं, जिसका सरगना पाकिस्तान के रांची के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ इस दावत इस्लामी में आके तो लोग सुधर रहे हैं, बड़े बड़े जो है वो मतलब मुजरिम लोग जो हैं, जो माशरे के जो है अच्छे लोग नहीं माने जाते थे, वो दावत। तो आपने सुना क्या कहा सुमैया राणा यहाँ पर जरताब रजा खान ने? वो सवाल उठा रहे सीधे तौर पर, जो पैसा है उसका कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके एक नहीं कई आरोप हैं। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि राजनीति इस पर खाद पानी का जो काम करती है, राजनीति इसमें वोट साधने का जो काम करने लगती है, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा उससे अंडरमाइन तो नहीं होती है, उस पर प्रहार तो नहीं होता? देखिए अदिति जी, गुल्लकों का ताल्लुक जहां तक है तो वो कोई नई चीज तो है नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जो भी मजहब है, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, यूं भी तंजीमें हैं तमाम, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बेकरीज हैं लखनऊ में, जहाँ पे बाहर एक डिब्बा रखा होता है और ये होता है कि आप सोशल कॉज के लिए जो भी पैसा देना चाहे दें। रही बात अब जो जरताब रजा खान साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं, उनका क्या आधार है मुझे नहीं पता, कि मे बी कि उनको कुछ ऐसा ज्ञान आया होगा, क्या अवतरण उनके ऊपर हुआ ऐसा कि उनको ये सब कुछ चीजें पता चली। बहरहाल देश के अंदर कानून है, इतना बड़ा संविधान है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बेहतरीन सरकार है, ढूंढ के निकालना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से निकालना चाहिए कि ये जो संगठन है ये एक्चुअली किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए बढ़ा दूं कि ये फंडिंग वंडिंग का जो बहाना करके एक पर्टिकुलर मजहब को बदनाम करने की कोशिश कर रही, वो कोई भी हो सकता है वो हमारे अंदर के ही लोग हों, हो सकता है वो बाहर के लोग हों, लेकिन जिस कौम में ऑलरेडी 2.5% सालाना ज़कात का एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है कि वो 2.5% बहुत होता है, और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से अगर उसका निकाला जाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बड़ी रकम है वो। आप सवाल पूछ रही थी ना जरताब रजा खान से कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई है, उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जरताब रजा खान हमारे साथ हैं।